कसा बांधला असेल रे तेव्हा? सर ने हमको जानकारी दी, हमको लाइन में लगना पड़ता, वही दिक्कत आती। नाउ ऑन योर स्क्रीन नमो इंडिया यूट्यूब चैनल न्यूज एंड वीडियो फैक्ट्री। हे नमस्कार हिंदुस्तान की जनता, चलो लेह लद्दाख एपिसोड का स्वागत है। दोस्तों आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा, हम आगरा तक आ गए। हमारे अंजनगांव सुरजी जिला अमरावती महाराष्ट्र से आगरा तक आ गए और आज हम जा रहे हैं ताजमहल देखने। अभी हम फिलहाल आगरा में ही हैं और आपको अच्छे से ताजमहल दिखाएंगे और हम पहली बार ताजमहल को देखने जा रहे हैं लाइफ टाइम में। अब तक हमने इमेजेस में, पेपर में, इंटरनेट पे ही देखा था ताजमहल को, आज हम रियल में उसको देखेंगे। विषय असा आहे मित्रांनो, आपण पहिल्यांदाच मध्य प्रदेशमध्ये एवढा अंदर गेलो होतो, आता उत्तर प्रदेशमध्येही पहिल्यांदाच आलो आहे। उत्तर भारतात आपला पहिला प्रवास आहे म्हणून हा माझ्या स्मरणात नेहमीच राहील। काय म्हणतो मित्र, बरोबर आहे की नाही? तुझ्या स्मरणात राहणार आहे ना? वा वा वा। और ताजमहल की ओर जाने वाला रास्ता अभी आप देख सकते हैं, इतना अच्छा गार्डन डेवलप किया है यूपी सरकार ने। क्या दोस्तों आपको पता है, ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथी दंत सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। पांढरा शुभ्र संगमर दगडांनी बनलेला ताजमहल आपल्या डोळ्यासमोर आहे। पहले फोटो ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश। ताजमहल देखा होगा, कमेंट करना ना भूलना आपने ताजमहल कब देखा। और ताजमहल के चारों भी साइड दोस्तों आपको गेट्स बने हुए मिलेंगे, लेफ्ट राइट और फ्रंट साइड में भी, और इसके साथ बैक साइड में भी एक गेट बना हुआ है। इसे सन 1632 में शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की मकबरे के लिए शुरू किया गया था। तो दोस्तों आखिरकार जो ताजमहल देखने की हमारी इच्छा थी वो पूरी हो चुकी है। और भाई जो शाहजहां ने ताजमहल का कंस्ट्रक्शन किया था अपनी पत्नी मुमताज के लिए, उसका जो प्यार का प्रतीक माना जाता है, बहुत ही खूबसूरत। और जैसे जैसे हम ताजमहल के नज़दीक जा रहे हैं, उसकी खूबसूरती, उसका आकार बहुत बड़ा बड़ा होता जा रहा है। कितना बड़ा ताजमहल है यार, कसा बांधला असेल रे तेव्हा? कसा बांधला असेल? व्हाट डू एक्सपेक्ट, इतका सुंदर पहिल्यांदाच पाहतो तू पण जवळून एवढे।
ताजमहल के ठीक बाजू में यमुना नदी बहती है, जिसका रूप देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ, क्योंकि दोस्तों मैं यमुना नदी को भी पहली बार ही देख रहा था। हे देश की जनता, चलो लेह लद्दाख एपिसोड 3 देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हम हमारे गांव अंजनगांव सुरजी जिला अमरावती राज्य महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश होते हुए यूपी आए। दोस्तों हमने आज आगरा, फिर वहां पे ताजमहल देखा और अभी हम आगे दिल्ली की ओर जाने वाले हैं। सो दोस्तों यदि आपको अगले एपिसोड देखना है तो आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो करना होगा और आज के इस वीडियो को लाइक भी करना होगा। दोस्तों फिर हम आगे दिल्ली जाने वाले हैं, आगरा से दिल्ली, और आगे आने वाले एपिसोड में आपको यही रूट देखने को मिलेगा। आगरा से हम दिल्ली कैसे गए, स्कूटी से, वो भी दोस्तों स्कूटी से। जी हाँ, हम हमारे गांव से दिल्ली स्कूटी जाने वाले हैं, दिल्ली जो कि हमारे देश की राजधानी है। सो दोस्तों मैं यश अय्यर आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय महाराष्ट्र।